हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव यादव ब्लॉग। और फाइनली फूड ब्लॉग की सीरीज ही चली, अदर सीरीज चल नहीं पा रही क्योंकि कानपुर के मैनपुरी के जितने भी प्लेस थे मैंने सारे एक्सप्लोर कर लिए। अगर कोई ऐसा प्लेस है आपको मालूम है कि जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा। और अभी फूड ब्लॉग की सीरीज में अभी मैं मैनपुरी के छोले भटूरे स्ट्रीट फूड में छोले भटूरे टेस्ट करने आया। काफ़ी मेहनत के बाद बजट इतने बजट में, मतलब 20 रुपये में इतने सस्ते और अच्छे छोले भटूरे, बड़े मुश्किल से मुझे उन्हें काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी। और ये छोले भटूरे की मैं आपको लोकेशन बताता कि ये लोकेशन है कहाँ पे। ये आपको आगे यूनिक बाज़ार दिख रहा है, यूनिक बाज़ार ये जाता है कृष्ण तराय के लिए रास्ता, और ये रास्ता जाता है तो ये सामने राजधानी स्वीट दिख रहा, और ये रास्ता जाता है भामा चौराहे के लिए। और ये राजधानी के ठीक सामने आप ऐसे टर्न करेंगे तो ये इनका आएगा, इनका ये नाम है राधे कृष्णा तंदूरी जंक्शन के नाम से इनकी शॉप है। और अगर एक बार आपको लोकेशन क्लियर करा दी है, फाइनली हम टेस्ट करने आए हैं इनके छोले भटूरे, और टेस्ट करके आपको अच्छे से बताते कैसे है टेस्ट। हम आपको इनकी फिलिंग दिखा रहे हैं तो छोले इन्होंने देखो अच्छे से मैश करके थोड़ा थोड़ा पनीर भी डाला है, तो पनीर का भी टेस्ट आ जाता है छोले भटूरे में, सॉरी भटूरे में, छोले में नहीं डाला पनीर भाई, पर भटूरे में डाला ही है, देख सकते हैं। अब देख सकते हैं ये पनीर मैश हुआ, तो थोड़ा पनीर का भी टेस्ट आता और छोले। और ये इनके छोले की सब्जी है, स्पाइस लेवल ठीक लगा है, बट कोई स्पाइस लेवल ठीक है। और ये इनकी मटर आलू की सब्जी है, समझ में नहीं आई कि जब छोले के साथ एक मटर आलू की सब्जी, तो अगर एक सूखी सब्जी होती बेस्ट रहता, अगर यहाँ पे एक और सूखी सब्जी होती तो बेस्ट रहता इसके लिए। और ये इनका पूरा सलाद है जिसमें मूली, ये इनका रायता तो नहीं है, चटनी है, प्याज है, मूली है, ये सब सलाद देते। बस यही है कि ये दो एक सूखी सब्जी होनी चाहिए थी इसके जगह, क्योंकि जब छोले की सब्जी है उसके साथ मटर आलू की सब्जी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं नज़र आता। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी आता है तो एक सूखी सब्जी बेटर है इनके लिए। यही है एडवाइज है कि एक सूखी सब्जी बेटर रहेगा, एक सूखी सब्जी होनी चाहिए, मटर आलू की सब्जी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है इसके साथ। स्पाइस लेवल भी सही है, सब्जी भी देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। अब मैं अच्छे से टेस्ट करके आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। 132 एक्शन। और लोकेशन चेंज, अभी हम हैं छोटे कृष्ण में, लोकेशन चेंज करने का सबसे बड़ा रीज़न यही था, बारिश होने लगी और इतनी सारी देखो सर्दी, मौसम इतना ठंडा हो रहा, ऊपर से बारिश हो रही है, और भाई कैसे ब्लॉग बनाएंगे। फिर भी लास्टिक अब मैं उनका फाइनली रिव्यू आपको डिटेल देने वाला हूँ कि मुझे उनके छोले भटूरे कैसे लगे हैं। मैंने उनके छोले भटूरे का काफ़ी रिसर्च की थी, 3-4 बार टेस्ट भी किया था, और इस बार मैंने उनका अमृतसरी कुलचे टेस्ट किए थे, मुझे लगा कि कुछ अच्छा टेस्ट होगा। तो अमृतसरी कुलचे के लिए मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा उनके, और छोले भटूरे के लिए बोला क्योंकि जो बेस्ट प्राइस में आपको बेस्ट चीज़ मिलेगी वो छोले भटूरे उनके यहाँ के होंगे। तो अगर आपने उनके छोले भटूरे टेस्ट नहीं किए तो एक बार मेरे कहने पे एक बार ज़रूर उनके छोले भटूरे टेस्ट करें, काफ़ी अच्छा लगेगा। क्योंकि 20 रुपये में प्लेट मिलना और इतनी अच्छी, इससे पहले भी मैंने कुछ छोले भटूरे 70-70, 80-80 रुपये के टेस्ट किए। ये इनके छोले हुए हैं, इन्होंने आलू अलग रख के दिए हैं, और ये छोले हैं इनके, प्याज भी दे रहे, थोड़ा अचार भी दे रहे, और ये इनके चटनी है और भटूरे हैं। आपको टेस्ट करके उसके हिसाब से उनके पनीर भी डला था, अच्छा था टेस्ट, मतलब समझो कि बेस्ट प्राइस बेस्ट चीज़ मिल रही है, और क्या है भाई। तो जो छोले भटूरे एक बार आप उनके ज़रूर टेस्ट करके हमें बताइए, पर अमृतसरी कुलचे मत टेस्ट करना। विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो।
क्योंकि मैंने वो टेस्ट किया तो उस हिसाब से जिस तरीके से मैंने एक्सपेक्ट किया था ना, जो एक्सपेक्टेशन थी मेरी छोले भटूरे को मैंने कि उसी टाइप के होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो सच है वो डंके की चोट पर बोलना। तो आप वहाँ जाएं तो मैं सिर्फ रिकमेंड करूँगा आपको छोले भटूरे के लिए, तो वहाँ जाके आप छोले भटूरे ज़रूर टेस्ट करें। और अगर भाई वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक किया करो, शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो चैनल को। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, मैंने देखा कि 90% मैनपुरी वाले वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब 10% करते। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो ये बहुत गलत बात है भैया, हम बबलाओ ब्लॉगिंग व्लॉगिंग छोड़नी पड़ेगी मैनपुरी की इस तरीके से। आई एम मोती महल, मोती महल ये स्टेशन रोड पे है। और तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो यार, 90% लोग मतलब ऐसी मौज मस्ती वीडियो देख के स्किप मार देते हैं। अगर इतना बेकार लगे तो कमेंट करके बताया करो, बट सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कुछ तो किया करो यार।